सो हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके और आज हम बात करेंगे रोटामीटर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ही हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज़ देखेंगे कि रोटामीटर क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, फिर इसमें इक्वेशन जो बैलेंस करना होता है, ठीक है, वो कैसे करते हैं, मतलब प्रेशर जो है किसको बैलेंस करना होता है वो कैसे बैलेंस करेंगे, फिर रोटामीटर कहाँ पर ही यूज करते हैं, ठीक है, और जैसे कि इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ अपने मिल सकते हैं उसके बारे में, और रोटामीटर से क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक। तो देखिए, रोटामीटर ये खासकर वीडियो बनाया गया है कि डीए जो अभी बार्क मैसूर का एग्ज़ाम होने वाला है, सॉरी इंटरव्यू होने वाले हैं, तो उन लोग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना वहाँ पूछा गया था, ठीक है, मेरे दोस्त ही पूछा गया था, वो उसमें फंस गए थे तो नहीं बता पाए, तो आपको ऐसा नहीं होने वाला, बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझाएंगे। और जो कॉलेज में जो है वो लोग के लिए तो काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि इसमें देखिए समझा देंगे भाई कि आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा तो टाइम कम बचने के लिए मैं लिख दिया हूँ, अगर आपको लिखना है तो आप स्क्रीन को थोड़ा सा पॉज करके आप पे क्या बोला जाता है उसको स्क्रीन शॉट ले सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रोटामीटर। तो रोटामीटर एक इक्विपमेंट है, जैसे कि मेजर करने के हमारे पास बहुत से तरीके हैं, जैसे कोई मेजर करता है कि प्रेशर ड्रॉप, अगर प्रेशर के आधार पर, ठीक है, डिफरेंशियल प्रेशर के आधार पर मेजर किया जाता है, ये है डिफरेंशियल एरिया के आधार पर मेजर कर रहा है, कोई है कि मैग्नेटिक के आधार पर मेजर कर रहा है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक के आधार पर मेजर कर रहा है, तो उसमें एक है, इसमें एक टर्म आता है, जैसे कि हम डिफरेंशियल प्रेशर प्रेशर के आधार पर अगर मेजर करते हैं तो वो होता है आपका ऑर्फिस मीटर होता है, वो वेंचुरी मीटर होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डिफरेंशियल एरिया मीटर, मतलब वेरिएबल एरिया मीटर। तो ये वेरिएबल एरिया मीटर का ही एक पार्ट है। ओके, तो रोटामीटर किसका पार्ट है? वेरिएबल एरिया मीटर का एक है। ओके, तो वेरिएबल एरिया मीटर में भी और सारे भी इक्विपमेंट आते हैं, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो है आपका रोटामीटर। ओके, तो एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, तो वेरिएबल एरिया मीटर में सबसे इम्पॉर्टेंट है रोटामीटर, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर कोई रोटामीटर के बारे में पूछे तो हम लोग क्या बताएं? सबसे देखिए, हमने बहुत ही आसान भाषा में आप लिखा है इट इज़ ए फ्लो रेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इतना तो आपको बताना, जैसे कोई पूछे तो क्या बताना है, इट इज़ ए फ्लो रेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड फ्लो रेट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ द फ्लो, एंड फ्लो रेट जो जो फ्लो रेट है वो कैसे मेजर किया जा सकता है, जब हम एरिया को चेंज कर रहे हैं उसके टर्म में हम लोग मेजर किया जा सकता है। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया मीटर इज रोटामीटर, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एरिया मीटर है उसे बोलते हैं हम लोग रोटामीटर। तो कभी कभी क्वेश्चन इंटरव्यू में ऐसे पूछा जा सकता है कि एरिया एक एरिया मीटर के नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं रोटामीटर। ओके, फिर है प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल जो है ना बहुत ही आसान है, ऐसा लगता है कि यार बहुत, जैसे कि मैंने वेंचीमीटर बताया था कि क्या है, कोई पाइप है अगर उसका क्रॉस सेक्शन अगर हम उसको रिड्यूस करते हैं तो रिड्यूस करने से क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और वो प्रेशर डिफरेंस इनेबल होता है, मतलब उसमें एक क्षमता होता है कि वो उस प्रेशर डिफरेंस की मदद से हम लोग फ्लो रेट निकाल सके। ओके, तो सेम लाइक दैट ऐसा यहाँ पर होने वाला है, यहाँ बोल रहा है कि रोटामीटर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल दैट देयर इज ए डिफरेंस ऑर्फिस एरिया। ये ऑर्फिस एरिया मतलब क्या, ऑर्फिस का मतलब ऐसा होता है हॉल, ठीक है, छिद्र जिसको बोला जाता है, ऑर्फिस का मतलब कोई दूसरा मीनिंग नहीं होता। तो ही है कि जो ऑर्फिस का जो एरिया है, डिफरेंस इन ऑर्फिस एरिया फॉर इच फ्लो रेट एंड प्रेशर ड्रॉप बिकॉज द मीटर इज कॉन्स्टेंट, आप बता सकते हैं कि रोटामीटर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस, देयर इज ए डिफरेंस इन ऑर्फिस एरिया एंड ऑर्फिस डिफरेंस इन ऑर्फिस एरिया फॉर ईच फ्लो रेट, मतलब प्रत्येक फ्लो रेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्फिस एरिया होता है, और इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं रोटामीटर का प्रिंसिपल। ओके, सो बेसिकली वही लिखा हुआ है, रोटामीटर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल देयर इज ए डिफरेंट ऑर्फिस एरिया फॉर ईच फ्लो रेट एंड प्रेशर ड्रॉप बिकॉज द मीटर इज कॉन्स्टेंट। तो हम लोग इस चीज़ की बात करेंगे यार कि इस मीटर में प्रेशर ड्रॉप कांस्टेंट कैसे, जैसे कि अगर आप पढ़ते होंगे बुक तो आपको ध्यान, चलो रोटामीटर है तो एरिया वेरी करेगा और प्रेशर ड्रॉप कांस्टेंट होगा, तो हम इस संबंध में भी बात करेंगे कि प्रेशर ड्रॉप आखिर कैसे कांस्टेंट होता है। ओके, तो थोड़ा सा इसके बारे में लोग बेसिक जान लेते हैं। तो देखिए फ्लोट, इसमें एक पहले आते हैं इसमें बारे में, और
थोड़ा सा आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ये है आपका रोटामीटर। आर यू लुकिंग एट रोटामीटर, एक सिंपल डायग्राम बनाया गया है रोटामीटर। तो अगर आप ये फिगर ही बना सकते हैं ना, तो आप इस फिगर के माध्यम से ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। प्रिंसिपल भी यहाँ से आ रहा है, ओके, हर चीज़ यहीं से आ रहा है। देखिए सबसे पहले ये समझिए, आप रोटामीटर ध्यान में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप घर में ग्लास तो होगा ना, जो मेरे ख्याल से जो पुराने मतलब अभी भी घर में रहते हैं, जो स्टील का जो ग्लास होता है वो सेम ऐसा ही रहता है, ओके, ये परपोरेटेड यहाँ पर नहीं रहता है, ओके, बस ये स्टील का ही ग्लास ही समझिए। घर में जो आपका घर में ग्लास होता है ना, वही स्टील का ही ग्लास है यहाँ पर, ओके, बेसिकली तो आप देख सकते हैं स्टील के ग्लास यहाँ पर परपोरेटेड, परपोरेटेड कहने का मतलब होता है छिद्रनुमा, मतलब पार्ट पार्ट पे होल है वहाँ पर, देखिए ये सब, ताकि लिक्विड फ्लो करे, ठीक है, यहाँ पर लिक्विड, हम बताएंगे परपोरेट क्यों किया, तो यहाँ पर नीचे किया हुआ और ऊपर किया हुआ, ये है आपका फ्लोट। फ्लोट एक तरह से मेजरिंग मतलब एक एलिमेंट है, कोई दूसरा चीज़ नहीं है, जैसे कि उसी के थ्रू हम लोग मेजर करते हैं कि कितना फ्लोरेट देगा। तो इसको हम लोग ऐसे जनरली बोला जाता है टेम्पर्ड ग्लास, ठीक है, टेम्पर्ड ग्लास, ओके, तो ये गोलाकार रहता है, ये आपका फ्लोट हो गया, एपरपोरेटेड एरिया हो गया, और ये जो है ना ये स्केल लगा हुआ है, स्केल लगा हुआ मतलब ये स्केल लगा हुआ, और ये जो है फ्लोट का पोजीशन बताता है, ये जो है कि फ्लोट कहाँ पर है, यहाँ के बाद यहाँ जाएगा, यहाँ के बाद जाएगा, इससे मतलब एग्जैक्ट हमें पता चलता है कि फ्लोट का जो पोजीशन वो कहाँ पर है, ये पता चलता है, ओके। तो ये आपका स्केल लगा हुआ, और ये है स्केल फॉर फ्लोट पोजिशन, और ये स्केल फॉर फ्लोरेट, ओके। तो आई थिंक इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा, इसमें और कोई चीज़ नया नहीं है। अब बात है कि परफोरेटेड रहने क्या मतलब, देखिए ये तो एक ग्लास बनाया हुआ ना, लेकिन आपका इसके बाद में ऐसे तो रहता हुआ लाइन पाइप जाता हुआ ऐसे, ये जो है पाइप ऐसे जाता हुआ ना, फिर ऐसे मुड़ के ऐसे जाता हुआ पाइप का आगे पाइप जाता होगा, तो ये परपोरेटेड इसलिए बना है ताकि यहाँ देखिए, परपोरेटेड बनाने का मेन मकसद ये है, ये लाइन जितना है ना उतना लाइन यहाँ पर रहता है और यहाँ पर, अगर ये परपोरेटेड नहीं रहता तो क्या होता है, फ्लोट जो इसमें आकर बैठ नहीं जाएगा, ये पाइप पाइप से नीचे आ जाएगा, हमारा जो ग्रेजुएशन है स्केल भी यहीं तक है, लेकिन फ्लोट जो है वो नीचे आ जा सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर ही एक जाली नुमा करके ऐसे से बना दिया जाता ताकि ये फ्लोट आए तो इस पर बैठ जाए। फ्लोट कब बैठ सकता है, जब यहाँ पर फ्लो बंद हो जाएगा तो फ्लोट वो नीचे आ जाएगा, तो हम लोग बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल में। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि परफोरेटेड क्यों रहता है ऊपर नीचे, ये आपको समझ में आया होगा, ये है फ्लोरेट के लिए स्केल बनाया हुआ है और ये फ्लोट के पोजीशन के लिए स्केल बनाता है। जैसे कि अभी क्या ये बीच में, इसका मतलब है कि इसका इसमें फ्लो हो रहा है और थोड़ा सा ज़्यादा है, फ्लो ज़्यादा है इसीलिए यहाँ पर, और ज़्यादा बढ़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा, या फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा, तो ये चीज़ पता चल रहा है, ओके। जो फ्लोट होता है वो कंस्ट्रक्टेड आउट होता है कोरीजन रिसिस्ट मटेरियल से। अब बताइए इसमें आपका बहुत तरह के मटेरियल पास हो रहे हैं, और मान लेते आयरन रहते हैं, जो आयरन जो बहुत ज़्यादा या फिर कोई ऐसा चीज़ है जो उसमें रिएक्टिव मटेरियल पास हो रहा है, तो हम लोग ऐसा खोजेंगे ना मटेरियल जो उससे कम रिएक्टिव हो, नहीं रिएक्ट करता हो उसमें, ठीक है। इसलिए ये जो कोरिजन फ्लोट है ना, स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है जनरली, ओके। देखिए फ्लोट इज इंडिकेटिंग एलिमेंट, फ्लोट क्या है ये समझिएगा, फ्लोट कुछ और चीज़ नहीं है, फ्लोट एक तरह के इक्विपमेंट मतलब एक छोटा सा पीस है, वो एक इंडिकेटिंग एलिमेंट है। जैसे ये फ्लोट है तो हमें दो तरह से इंडिकेशन दे रहा है, एक तो फ्लोट की पोजिशन बता रहा है यहाँ पर ही और यहीं पर ही, और इसी के सामने हम लोग फ्लोरेट का पोजीशन देख लेंगे, मतलब फ्लोरेट कहाँ पर जा रहा है, ओके। तो वही बताता है फ्लोट क्या करता है, फ्लोट एक इंडिकेटिंग एलिमेंट है एंड द रीडिंग एज ऑफ द फ्लोट इज टेकन एट द लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शन, जो बड़ा वाला क्रॉस सेक्शन है उसके थ्रू लिया था। देखिए अब बोलेगा कि यार सर एज तो यहाँ भी है यहाँ भी है तो इसके सामने क्यों नहीं लेंगे, तो जो लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शन है ना वो वहीं पर ही हम लोग लेते हैं, ओके। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ओके। फिर है कि रोटामीटर डोनट रिक्वायर स्टेट रन पाइप बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टॉलेशन, ये जानता है रोटामीटर का सबसे मतलब एक तरह से एडवांटेज है अदर फ्लोरेट के कंपेयर में, जैसे कि ऑर्फिस मीटर है, तो ऑर्फिस मीटर भी स्ट्रेट लाइन की जरूरत नहीं पड़ता है ऐसा, ठीक है। ऑर्फिस मीटर जहाँ पर आप इंस्टॉल कीजिएगा तो उसके आगे पीछे स्ट्रेट होना जरूरी नहीं है, लेकिन
वेंचुरीमीटर में कम से कम 1 मीटर आगे पीछे दोनों जगह स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, यानी कि मतलब उसको जहाँ पर ही बेंड है वहाँ पर हम लोग नहीं लगा सकते हैं ऑर्फिस मीटर को, लेकिन रोटा मीटर को, वेंचुरी मीटर को जहाँ पर बेंड है वहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए लिखा जाता है रोटा मीटर डू नॉट रिक्वायर द स्ट्रेट रन पाइप बिफोर एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन। यानी मतलब ये है, अगर यहाँ से ऐसे मुड़ जाता, यहाँ से ऐसे मुड़ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर दूसरा वेंचुरी मीटर में थोड़ा सा इफेक्ट आता है। फिर फॉर लो टेम्परेचर प्रेशर ग्लास ट्यूब यूज। देखिए मैं आपको कहाँ बताऊँ, अगर आप इंडस्ट्री में काम किए होंगे ओके, या फिर बाय चांस आप अगर आप करेंगे ठीक है, तो मैंने देखा था, मैं जब अप्रेंटिसशिप में था ओके, तो खासकर जो कंप्रेसर हाउस था, और फिर मैंने दो जगह देखा था, एक कंप्रेसर हाउस में देखा था और एक नाइट्रोजन यूनिट में। तो नाइट्रोजन यूनिट में ऑक्सीजन को पता चला जाता कि ऑक्सीजन, देखिए इससे ये भी चीज़ पता चलता है ना कि भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें भी पता चलता है। और एक जगह वहाँ भी था यार, लाइक कंप्रेसर जो यार कॉलम के बाद से कंप्रेसर हाउस में जाता है, तो वहाँ पर भी कंप्रेसर हाउस में भी एक फ्लो वहाँ पर रोटामीटर रहता है। तो आप जब कभी जाइएगा वहाँ पर तो आप ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा ओके। तो ये बोला जहाँ पर टेम्परेचर कम है और प्रेशर भी कम है तो वहाँ पर एक ग्लास की यूज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा और ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो हो सके ग्लास ही टूट जाए, इसलिए हम लोग ज़्यादा प्रेशर के लिए वो मेटल ट्यूब यूज करते हैं। ये जो फ्लोट है ना, ये ग्लास के बने जब लो टेम्परेचर प्रेशर रहेगा, और लेकिन जब हाई टेम्परेचर प्रेशर रहेगा तो वहाँ पर मेटल ट्यूब बन जाएगा। अब बोलिए कि सर बाई चांस इसमें जो फ्लूड फ्लो कर रहा है वो डार्क है और डर्टी मटेरियल है, मतलब वाइट नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा? उस स्थिति में एक एक्सटर्नल इंडिकेटर देना पड़ता है बाहर से, मतलब ये है एक बाहर से एक और ऐसे ऐसे दे दिया जाता है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में ठीक है, कि फ्लोट जो है जनरली आपका ग्लास में लगाए ठीक है, कोई बात नहीं, जहाँ वाइट मटेरियल जैसे एयर है ये सब पास कर रहा हूँ आपसे तो पता चल जाएगा, बट जहाँ पर डर्टी मटेरियल है, जहाँ पर ये थिक मटेरियल है, जहाँ पर अदर कलर मटेरियल है, तो वहाँ पर ही तो सुटेबल नहीं है। तो उस स्थिति में हम लोग अदर बाहर से एक्सटर्नल मतलब इंडिकेटर दिया जाता है, तो फिर किया जाता है ओके। आई होप अगर आपको कोई और दिक्कत होगा तो मुझे बताइएगा, और इसके हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं ओके। तो हम इसको मिटाते हैं, देखिए वर्किंग प्रिंसिपल इज द वेरी सिंपल। आप अब देखिए ना, रोटामीटर के बारे में कोई पूछ रहा है, यहाँ से नहीं लिख सकते कि सर ये फ्लो रेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और इसको फ्लो रेट को हम एरिया के टर्म में मेजर कर सकते हैं, मतलब चेंज इन एरिया के जो टर्म है उसको मेजर किया जाता है और उसके हेल्प से हम लोग निकालते हैं। रोटामीटर प्रिंसिपल क्या है कि रोटामीटर जो प्रिंसिपल मतलब डिफरेंस इन ऑफिस एरिया, शुरू में इतना सा, फिर इतना और बड़ा और बड़ा और बड़ा एरिया बढ़ते गया कि नहीं, तो ये लेते हैं कि रोटामीटर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल देयर इज ऑर्फिस डिफरेंट इन ऑर्फिस एरिया। अगर यहाँ पर ही रहेगा तो इसके लिए ये फ्लो रेट है, अगर यहाँ जाएगा तो इसके लिए ये फ्लो रेट है, तो सबके लिए चेंज हो रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि देयर इज डिफरेंट ऑर्फिस एरिया फॉर ईच फ्लो रेट एंड प्रेशर ड्रॉप अकॉर्ड द मीटर इज कॉन्स्टेंट। अब बात करते हैं भाई प्रेशर ड्रॉप प्रत्येक एरिया डिफरेंट एरिया के लिए कैसे कॉन्स्टेंट है। देखिए आपका पी यहाँ पर ही है और पी टू यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर फ्लो कर रहा है, यहाँ पर पी वन है, चाहे आप यहाँ देखिए चाहे यहाँ देखिए चाहे यहाँ देखिए, ये पी वन के भी चेंज होने वाला है, ये फ्लोट है यहाँ पर ही है ओके। आप यहाँ देखिए चाहे यहाँ देखिए चाहे यहाँ देखिए, पी वन चेंज होगा ही, यही रहेगा, और पी टू भी जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक कोई चेंज नहीं। तो ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं, ये यहाँ तक आएगा और यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, इतने दूर में वैल्यू होते रहता है ओके, और जहाँ पर जाता है वहाँ पर स्टेबल रहता है। तो प्रेशर पी वन और पी टू ऐसे पी टू माइनस पी वन जो होता है ये डी पी होता है, ऐसे बोलते हैं प्रेशर ड्रॉप। तो ये जो डी पी का मान है ना, आप एरिया यहाँ पर रहेगा तो इसका एरिया लीजिए, चाहे इसका एरिया लीजिए, चाहे इसका एरिया लीजिए, दैट मीन दिस एरिया, दिस एरिया एंड दिस एरिया, एवरी एरिया फॉर फ्लो रेट कॉन्स्टेंट फॉर प्रेशर ड्रॉप ओके। तो सबके लिए कॉन्स्टेंट है ओके। और आगे मैं बात करता हूँ वर्किंग, देखिए वर्किंग कैसे होता है, मतलब और रोटामीटर वर्क कैसे करता है। देखिए सपोज दैट आई हैव सपोज दैट
कि जो फ्लोट है इसमें कोई फ्लूड फ्लो नहीं कर रहा। ओके क्या देखेगा आप ध्यान से, कोई फ्लूड इसमें फ्लो नहीं कर रहा। जब इसमें फ्लूड फ्लो नहीं करेगा तो ये कभी यहाँ पर टंगा रहेगा? क्यों टंगा रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये नीचे गिर के यहाँ पर बैठ जाएगा, तो यहाँ पर ये बैठा हुआ। ओके सपोज दैट ठीक है, ये यहाँ पर आपको बैठा हुआ है, और जैसे ही फ्लूड फ्लो करेगा तो इसे प्रेशर लगाएगा, तो ये प्रेशर लगाएगा तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ही बोला जाता है कि अगर जब फ्लूड फ्लो कर रहा है, लिखना पड़ेगा व्हाट डू थिंक, तो थोड़ा सा लेते टाइम। ओके तो हाय दोस्तों, तो अभी हम बात करेंगे पहले वर्किंग के बारे में, कि वर्किंग मतलब ये रोटामीटर वर्क कैसे करता है। देखिए हम लिखना नहीं, थोड़ा मैंने लिख दिया ठीक है। होता क्या है कि आपका ये रोटामीटर है, शुरू में फ्लो नहीं मिलता है तो ये रोटामीटर नीचे रहता है। ओके नीचे रहा, जब इसको फ्लो मिलता है, जब फ्लूड फ्लो करने लगता है तो ये अपना प्रेशर अनुसार नीचे से, देखिए इसमें तीन फोर्स काम करता है। कोई फ्लूड जब नीचे मतलब कोई ऊपर फ्लो कर रहा है, ऊपर की ओर जब लिक्विड फ्लो लगाता है तो बायंट फोर्स लगाता है, इसको बायंट फोर्स लगा रहा है। और कोई कोई पार्टिकल है ठीक है, कोई बॉडी है और वो लटका हुआ, तो हमेशा नीचे की ओर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, यानी ग्रेविटी फोर्स लगेगा। और एक है प्रेशर पी, और पी टू है पी वन है, क्योंकि फ्लूड ऊपर की ओर जा रहा है तब प्रेशर इधर ज़्यादा होगा नीचे कम होगा, दरअसल पी टू माइनस पी वन इंटू ए, तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशियल प्रेशर फोर्स। तो तीन फोर्स काम कर रहा है, तो जब ऐसे ही ये प्रेशर बॉइंग फोर्स बढ़ते जाते ये फ्लूड, ये जो है ना फ्लूड अपने अनुसार बैलेंस होते रहता है। तो एक समय ऐसा आ जाता है ये जो फ्लूड का फ्लो है ना वो स्टेडी हो जाता है, मतलब अब ये फ्लूड का फ्लो इतना होता ही नहीं है कि मतलब जैसे शुरू में ज़्यादा रहता है, तो ये कम पड़ता है और ऊपर जाता है और ऊपर जाता है और ऊपर जाता है, फिर लिक्विड और बढ़ जाता है। एक समय आता है कि ये दोनों मतलब ये अपने वेट के अनुसार और ये लिक्विड लिक्विड का वेट के अनुसार इसके दो वेट के दोनों बैलेंस हो जाता है, और ये अचानक से एक सर्टेन पोजीशन पे मतलब अस्टेडी रूप से बैलेंस हो जाता है, मतलब हैंग हो जाता है, लटका हुआ रहता है। ओके तो वहाँ पर जैसे 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 शुरू में था, देखिए हमें मेजर तभी किया जाता है, ऐसा नहीं कि अगर रोटामीटर ऊपर नीचे होते रहेगा तब तो हम सब मेजर नहीं कर सकते ठीक है। हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं कि फ्लो जब स्टडी हो जाए, स्टडी करने का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकुलर पॉइंट पे किसी भी समय फ्लो रेट या फिर प्रेशर या कोई भी चीज़ कांस्टेंट होता है तो उसको बोलते हैं स्टडी। दैट मीन कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर टाइम के साथ वो इंडिपेंडेंट है उसका कैरेक्टरिस्टिक, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टडी। तो यहाँ पर आके लटका हुआ था, तो ये दैट मीन क्या फ्लोट का जो वेट है और लिक्विड का वेट है दोनों बराबर हो गया है, बराबर, और यहाँ पर जाएगा फिर हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमें बस इतने बताना है कि शुरू में फ्लोट बॉटम पर रहता है, जब फ्लूड फ्लो करता है तो अपना फ्लूड का वेट और वाटर जो भी फ्लूड है वो दोनों बैलेंस होता है, और जब ये स्टेडी स्टेट पे कंडीशन पे आ जाता है तो फिर उस समय हम लोग मेजर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लूड का एज। देखिए एज इसको बोलते हैं, किनारे वाला जो है ना ये, इसको एज बोलते हैं। और हमेशा जो एज लिया जाता है ना वो टॉप का लिया जाता है, बॉटम का नहीं लिया जाता ठीक है, हमेशा टॉप का एज लिया जाता है। और इसके थ्रू जैसे ये पता चल गया कि यहाँ पर ये है, इसके सामने हम लाते हैं ये ग्रेजुएशन स्केल है, स्केल इसके सामने लाते हैं, फिर हमको मेजर हो जाता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। ओके बस इसमें ध्यान ये रखना है कि स्टेडी कंडीशन में आ जाएगा तभी हमें करना है। ओके और देखिए कुछ टर्म है मतलब, हाँ रोटामीटर जो सबसे ज़्यादा केमिकल इंडस्ट्री में यूज होने वाला चीज़ है मेरे ख्याल से, ऑर्फिस मीटर जो, क्योंकि देखिए रोटा हम बता रहे हैं ऑर्फिस मीटर के बाद ये सस्ता ही पड़ता है एज कम्पेयर टू, अरे वेंचुरी मीटर उस कंपेयर में बात करें तो ये सस्ता ही पड़ता है। ओके तो फ्लो रेट, और ये हाँ ये जो ऐसा है ना कि फ्लो रेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये कंप्रेसिबल फ्लूड और इनकम्प्रेसिबल फ्लूड लिक्विड एंड गैस दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है। ओके और एक ये भी चीज़ है कि ये जो है ना डायरेक्ट लेवलिंग मेजरमेंट, जैसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट पड़ जाएगा दो टाइप का मेजर इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डायरेक्ट मेजरमेंट इनडायरेक्ट मेजरमेंट, तो ये डायरेक्ट लेवल मेजरमेंट में आता है। क्योंकि देखिए हम यहाँ पर कोई दूसरा चीज़ लगाए हैं मतलब मैनोमीटर या फिर कोई और भी चीज़ जो पहले प्रेशर को मेजर करे फिर प्रेशर को फ्लो रेट में कन्वर्ट करे, ऐसा कुछ नहीं लगाए हैं। ओके तो इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट लेवल मेजरमेंट, उसमें आता है रोटामीटर। तो इसीलिए दे प्रोवाइड ए डायरेक्ट रीडिंग ऑन द फ्लो रेट। ओके
अब हम इसको इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए ये बहुत मेन है कि मतलब हम प्रेशर बैलेंस कैसे करें, ये चीज आपको सीखना चाहिए। ओके देखिए यहाँ पर तीन ही प्रेशर है, कोई चौथा प्रेशर है नहीं, बायंट फोर्स, ग्रेविटी फोर्स एंड प्रेशर डिफरेंशियल फोर्स। तो सबसे पहले जब ये इक्विलिब्रियम में स्टेबल हो जाता है, जब इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाता है तो देखिए लिखा है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड मस्ट बी बैलेंस। जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तब फोर्स जो है फ्लूइड लग रहा है वो बैलेंस हो जाएगा, और जैसे बढ़ेगा तो वो मूव करेगा फ्लूइड, और नहीं रहेगा तो है ना यह डायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हाई वी कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये जो फ्लूइड है ना ये हमेशा अभी थोड़ा सा अभी इस पॉइंट पे, जैसे प्रेशर मतलब फ्लो कम है ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, कहने मतलब ये स्टैटिक नहीं है कि एक जगह रुका हुआ। जैसे मान लेते ये बोर्ड है, बोर्ड को हम कहूँ ले जा रहे हैं नहीं ले जा रहे, ये तो ये स्टैटिक है, लेकिन यही रहता कि ये हमेशा ऊपर नीचे होता रहता, ऐसे ऐसे होते रहता, कोई भी चीज़ जब लगता मतलब प्रेशर देते या कोई और भी किसी वजह से वो हमेशा मूव कर जाता ऐसे ऐसे। तो उस स्थिति में क्या होता है उसको डायनामिक बोलते हैं, ये स्थिति नहीं है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। हम इसको इक्विलिब्रियम में लाएं, देखिए कोई भी चीज़ को जब हम इक्विलिब्रियम में अपने इफोर्ट या फिर प्रेशर की वजह से लाते हैं ना तो उसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर वो ऑलरेडी है तो वो स्टैटिक रहेगा, ठीक है। तो नेट अब हम लोग दो तरह के फोर्स बैलेंस करेंगे, एक अपवर्ड फोर्स की ओर और एक डाउनवर्ड फोर्स की ओर। ओके तो अपवर्ड फोर्स में कौन लग रहा है, बायंट फोर्स लग रहा है, एक है डिफरेंशियल प्रेशर फोर्स। डिफरेंशियल प्रेशर फोर्स तो ये हो गया बायंट फोर्स वी एफ रो जी। देखिए ये बड़ा चीज़ ना याद रखना आसान है, वी एफ जो है ना आपका वॉल्यूम है फ्लूड का, और रो है आपका डेंसिटी इस फ्लूड का डेंसिटी, और जी तो आपका समझ ही रहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको बोलते हैं। फिर एक पी वन, सॉरी उल्टा लिखा गया ऐसे लिखना, पी टू माइनस पी वन, तो पी टू माइनस पी वन रहेगा। और एफ हमें फोर्स निकालना, देखिए P इक्वल टू क्या होता है, F बाई ए होता है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू ए, तो यहाँ प्रेशर इंटू एरिया। ओके और ये हो गया आपका फाइनल, जैसे शुरू में आपका जो लग रहा था बायंड फोर्स इतना लगा रहे थे बी एफ रोजी इतना, और ऊपर में कितना लगाएंगे तो फाइनल वॉल्यूम और फाइनल डेंसिटी एंड ग्रेविटी। तो इसको हम डेल पी, देखो डेल पी को ही हम पी टू माइनस पी वन लिखा जाता है। ओके सब जगह ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको पी टू माइनस पी वन है, डेल पी बोलिए चाहे पी टू माइनस पी वन बोलिए, तो यहाँ सब इसको ये चला जाएगा उधर उधर जाएगा, तो वी एफ कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी है वी एफ, यहाँ रो एफ बचेगा, रो बचेगा जी बचेगा, और बटा में एफ आ जाएगा ये वाला। तो ये होगा डेल पी, और हमको पता है देखिए ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन आपका, ये इक्वेशन सबके लिए कांस्टेंट है, Q इक्वल टू सी डी ए टू वन माइनस बी फोर टू पी टू पाई रो, ये सबके लिए कांस्टेंट है। ओके आप ऑर्फिस मीटर की बात कीजिए चाहे वेंचर मीटर की बात कीजिए, सबके लिए कांस्टेंट है। जब Q मालूम हो गया तो देखिए हमें मास फ्लो रेट निकालना है, तो मास फ्लो रेट में करना क्या रहता है, मास फ्लो रेट बराबर होता है क्यू इंटू रो, ठीक है। मास फ्लो रेट तो क्यू का मान रख देंगे और बस वो रो चिपका देंगे यहाँ पर, तो वही काम किया गया है, क्यू क्यू की जगह एम ए रख दिया है मास फ्लो रेट, और सी डी ए टू वन माइनस ए इतना कर दिया था। जैसे बी फोर एक्चुअली जो है ना दो चीज का है, ए टू बटा ए वन का होल स्क्वायर है, उसको हम लोग बोलते हैं बी फोर। अगर आप डी टू और डी वन लीजिएगा इसको बी माना जाता है, और क्योंकि एरिया पाई डी के पावर फोर होता है और स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा डबल फोर हो जाएगा, इसलिए वो बी फोर यूज किया जाता है। ओके और यहाँ पर इसे एक यहाँ पर रो नहीं था तो यहाँ पर हम इसको कॉमन लिए तो एक रो ख़त्म हो जाता है बेसिकली। फिर इस तरह से आपका मास प्रोडक्ट निकल जाता है, लेकिन आपको जो बैलेंस करने के लिए एग्जाम में या इंटरव्यू में जो पूछेंगे ना वो यही प्रेशर को बैलेंस करने के लिए पूछा जाएगा कि अपवर्ड फोर्स कौन है डाउनवर्ड फोर्स कौन है, तो उसमें बाइंड फोर्स कौन है डिफरेंशियल प्रेशर कौन है और ग्रेविटी फोर्स कौन है, तो ये चीज़ के आप ध्यान रखिएगा। ओके आई होप ये चीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ओके
और थोड़ा सा कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है रोटामीटर के बारे में, वो चीज़ उस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो वो फैक्ट क्या है आपका, वो फैक्ट की अगर बात करें तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज रोटामीटर का वो डिपेंड करता है शेप ऑफ द फ्लोट एंड रेनॉल्ड्स नंबर। जैसे सीडी हम लोग यूज किए थे ना यहाँ पर, उसकी बात करें, कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ फ्लोट एंड रेनॉल्ड्स नंबर। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रोटामीटर में जो कोफिशियंट है वो क्या डिपेंड करता है, तो ऑफकोर्स तो जैसे ये तो एक अलग शेप का हो सकता है, जो ये जो शेप है वो इस तरह से भी हो, लाइक ऐसे भी हो सकता है, ठीक, कुछ फ्लोट ऐसे भी हो, इसका ऐसे हो, इसीलिए बोला जाता है फ्लोट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है रोटामीटर का वो डिपेंड करता है फ्लोट का शेप एंड रेनॉल्ड्स नंबर पे। ओके, और कुछ टर्म है डेंसिटी ऑफ फ्लोट टू इज द फ्लूड फ्लो इन द रोटामीटर। जैसे देखिए फ्लोट का जो डेंसिटी है हमेशा वो रोटामीटर में जो फ्लूड फ्लो कर रहा है उससे हमेशा दुगना रहेगा। ओके, अगर ये दुगना रहेगा तो इससे क्या होता है, और हाँ, और जो फ्लो रेट है इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लोट। देखिए ये चीज याद रखिएगा, पहली बात कि फ्लोट का जो डेंसिटी है वो फ्लोट के डेंसिटी से दुगना रहेगा, और इसमें फ्लो रेट है, फ्लो रेट है वो डेंसिटी फ्लूड के डेंसिटी से इंडिपेंड रहेगा। फ्लूड के डेंसिटी से इंडिपेंड रहने का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर प्रेशर बढ़े घटे फ्लो रेट पे असर नहीं आया। ओके, जैसे कि दूसरे चीज़ में हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ का बेनिफिट है इस चीज़ का, ठीक है। पहली बात तो हम ये डायरेक्ट लेवल मेजरमेंट है, इक्विपमेंट है, फिर है कि इसका जो फ्लो रेट है वो इंडिपेंडेंट होता है डेंसिटी से, मतलब टेम्परेचर प्रेशर से, फिर तो ये सब बहुत सारे बेनिफिट है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, और ये काफ़ी छोटा इक्विपमेंट है और सस्ता भी है, ठीक है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा, और कोई और क्वेरी होगा तो कमेंट करके बताइएगा, कोई और टॉपिक होगा तो बताइएगा, फिर हम लोग बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।